एसएससी सराव परीक्षा को 24 साल पूरे हुए, 1998 में इस परीक्षा की शुरुआत हुई, इस साल 27 केंद्र इस परीक्षा के लिए रखे गए हैं, लास्ट ईयर 25 केंद्र थे लास्ट एग्ज़ाम में, दो साल कोरोना के माध्यम से परीक्षा कंडक्ट नहीं की गई, काफ़ी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुई, अभी ऑफलाइन की प्रैक्टिस इस साल काफ़ी महत्वपूर्ण है, करीबन 70 स्कूलों ने इस सराव परीक्षा में सहभाग लिया है, आज तक की जो नोंद है जो यहाँ पे इनरोल किए हुए स्टूडेंट की संख्या है वो करीबन 10,000 है, और जैसे परीक्षा 3 तारीख को है, 2 तारीख तक इसकी इनरोलमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें सहभागी हो, अगर वो नवी मुंबई के स्कूल के नहीं हैं लेकिन नवी मुंबई में रहने वाला विद्यार्थी है तो उसको भी इस स्पर्धा में इस परीक्षा में समाविष्ट करने का प्रयास हमारे पूरे यंत्रणा का रहेगा। मराठी, हिंदी और इंग्लिश, इस 3 भाषाओं में ये इस सराव परीक्षा का आयोजन किया गया है। विषय 6 हैं और जो पेपर्स है वो 9 हैं। जल्द से जल्द मीन्स 3 तारीख को इस परीक्षा की शुरुआत हो रही है, 18 तारीख को ये परीक्षा समाप्त होगी। जल्द से जल्द इसके रिजल्ट्स लगाना, क्योंकि जल्द से जल्द रिजल्ट लगाने के बाद में मार्कशीट स्टूडेंट्स के हाथ में जाएगी और मार्कशीट के बाद में ही कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इस बात की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को मिलेगी और मूल परीक्षा जो मूल 10th की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें प्रिपेयर होने के लिए उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को होगा। 15 जनवरी के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा जाएगा। पहले 3 अलग जो विषयों में मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में जो टॉप करेंगे उनको टैब दिए जाएंगे और द्वितीय और तृतीय पारितोषिक के लिए और भी बख्शिश का प्रावधान इस परीक्षा में किया गया। देखिए कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करना है तो वो परफेक्ट होनी चाहिए और उसके लिए टीम फॉर्म करना पड़ेगा, टेक्निकल चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कॉलेजेस से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनके जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी बड़े पैमाने पे 12th की भी एग्ज़ाम रखी जाए ऐसी मांग आगे आ रही है, तो निश्चित रूप से एक पायलट प्रोजेक्ट, एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे नेक्स्ट ईयर हम लोग 12th के एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट करेंगे, ये विश्वास के साथ यहाँ पे मैं कहता हूँ। देखिए कि अभी जो होल्डिंग्स लगे गए हैं उसमें नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर पे अगर संपर्क करेंगे तो उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे जो सिस्टम है वो उनको मदद करेगी।